दोस्तों नमस्कार। आज हमारे सामने है सेल्टिस ऑस्ट्रेलियसिस का एक प्लांट जो कि नीचे से ट्वाइन ट्रंक भी लग रहा है, मल्टी ट्रंक भी लग रहा है और ऊपर जाके ये माने बहुत अजीब हो गया है और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसको क्या करें। तो आज हम इसको माने ब्रूटली काटने वाले हैं, देखते हैं कि इसकी कौन सी साइड को हम एक्टिव कर सकते हैं। इसका पीछे से एक जड़ अलग से घूम के आई है, माने वन बाय वन इसकी ब्रांच काट के और फिर हम देखेंगे कि हम इसको क्या बना सकते हैं। कैमरा पहले हम इसकी पीछे वाली ब्रांच इसको निकाल के देखते हैं कि ये आसानी से निकल रही है या नहीं। तो आप देखेंगे हमने इसकी एक ब्रांच को कट कर दिया है। अब अगर बैक साइड से इसे देखें यहाँ से तो यहाँ पे इसकी ट्वाइन ट्रंक की एक तरह से फील आ रही है, लेकिन ये ट्वाइन ट्रंक बहुत ऊपर से शुरू हो रहा है। अगर ये नीचे से शुरू होता तो हम इसको ट्वाइन ट्रंक में कन्वर्ट करते। अब हम इसकी अगली ब्रांच इधर से देखते हैं कौन सी निकालेंगे। और इधर से मुझे ये एक परफेक्ट सोहीन इंटरनेशनल लेवल का पेड़ लग रहा है, तो हम डिसाइड ये करते हैं कि हम इसकी मोटी वाली ब्रांच को निकाल देंगे। पहले हम इसकी एक बार ऊपर से निकालते हैं। बाद में इसको यहाँ से पूरी को आरी के इससे ही निकाल दिया जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से। अब अगर हम इसके इसको फिलहाल अगर यहाँ से निकाल दें, अब क्या है कि इसका जो ये टेपरिंग है वो भी लगभग लगभग 9 इंच के करीब है और ऊपर का पार्ट जो हमारा होना चाहिए ये इसका हाफ होना चाहिए। तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ से हमें ब्रांच आगे मिल जाए।
आप इसे यहां से देखिए प्लांट को, इसके बाद इसकी ये फर्स्ट ब्रांच हो जाएगी, माने ब्रांचिंग इसकी इसके बाद ऊपर ली जाएगी। और बेस देखिए, तो आज हमने एक बहुत ही मोटे पेड़ की लाइनिंग तैयार की है, और आगे आगे जैसे डेवलप होता रहेगा आपसे इसकी वीडियो और भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।